भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु पांच प्रकार, वन जन्म से, टू वंशाधिकार द्वारा, थ्री पंजीकरण द्वारा, फोर देशीयकरण द्वारा, फाइव भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता ड्यूअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA किन देशों में के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैनों, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद विषय वस्तु। 5 संविधान लागू होने का समय नागरिकता। 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 7 पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। 8 भारतीय मूल के बेस लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10 नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्खीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता ड्यूअल सिटीजनशिप से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना। अप्रवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, विदेशी भारतीय नागरिक OCI। परिभाषा NRI भारतीय नागरिक जो साधारणतः तो भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। PIO स्वयं या उसका कोई पूर्व जो भारतीय नागरिक रहा है वो वर्तमान में अन्य देश के नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। OCI एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। भारतीय नागरिकता NRI ये भारतीय नागरिक ही है कि अहर्ता? PIO भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। OCI संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने लाभ NRI सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। PIO कोई विशेष लाभ नहीं। OCI एक एक RRO व FRO वाले
भले लाभ के साथ पंजीयत से छूट भारत में कितने भी अवधि तक ठहराव के लिए, वीजा NRI नहीं, PIO हाँ, OCI जीवन भर बिना वीजा आ सकता है। मताधिकार NRI दे दिया गया है, PIO नहीं, OCI नहीं। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी की प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की।